दोस्तों तो स्वागत है आपका यूटेक में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टीसी एग्जाम दिए बिना अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो आप सीएससी आईडी लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आप सीएससी आईडी कोई भी ले सकता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो भी आपको सीएससी आईडी यहाँ पर मिल जाती है। आपको कोई भी टीसी रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, कोई भी टीसी रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीएससी आईडी ले सकते हैं सिर्फ दो दिनों में। तो चले दोस्तों पूरी प्रोसेस आपको बता दें तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है सीएससी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही सर्च करना है और यहाँ पे आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन आपके लिए दिख जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा register.cse.government.in। आपको इसी साइट पे आना है, किसी और साइट पे नहीं जाना है और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आपको देखने को मिल रहा है सीएससी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना होगा। उसके बाद हम इस साइट पे आ जाएंगे और यह सीएससी का रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको इसी साइट पे आना होगा और यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको कोई भी आदमी सीएससी आईडी ले सकता है और यहाँ पे सीएससी की बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसमें आप सीएससी लेने के लिए आपको कोई भी टीसी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप कोई भी सीएससी आईडी ले सकता है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी आईडी अब किनको किनको मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आता है ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी होना जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप। तो यहाँ पे सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा ये आपको है सीएससी बीएलई। तो इसके लिए हम दोस्तों बात करेंगे। इससे पहले यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है एसएचजी हेल्प ग्रुप सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब आप अगर एनजीओ चलाते हैं, चाहे एनजीओ के आप वर्कर है, तो यहाँ पे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इज ओपन ओनली सेल्फ हेल्प ग्रुप यूजर, तो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वो यूजर आप यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सीएससी आईडी ले सकते हैं जिनको पहले सीएससी आईडी नहीं मिला है और वो अगर मान के चलिए वो काम करते होंगे एनजीओ में। तो अगर दोस्तों आप एनजीओ कोई रजिस्टर्ड एनजीओ में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और यहाँ पे आपके पास वो मोबाइल नंबर है, आपके आई कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये वाला कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे एफपीओ और एफपीएस ये दोनों जो ऑप्शन है ये किन के लिए है दोस्तों ये जानना जरूरी है। तो एफपीओ और एफपीएस ये उनके लिए है। दोस्तों यहाँ पे दो सर्विस दिया गया है एफपीओ और एफपीएस। अगर दोस्तों यहाँ पे आप कृषि विभाग से काम करते हैं मतलब कृषि एग्रीकल्चर में काम करते हैं, यहाँ अगर आप मेडिकल शॉप में काम करते हैं या मेडिकल से आप रजिस्टर्ड मेडिकल जैसे बहुत सारे आप मेडिकल इस दुकान देखते होंगे तो वो रजिस्टर्ड रहती है, उनके यहाँ पहले से एक यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा होता है तो वो रजिस्टर्ड रहते हैं, तो वहां पे रजिस्टर्ड ही मोबाइल नंबर वहां पे उनके पास रहता है। तो वही मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आपको कैप्चा डाला है। अब दोस्तों यहाँ पे ये भी बताएंगे कि आपका अगर रजिस्टर्ड नहीं है मोबाइल नंबर यहाँ पे नॉट एथराइज्ड बताता है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे ई श्रम कार्ड का काम आता है। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड का बहुत सारी कंपनी ने ई श्रम कार्ड का ठेका ले रखा था, ठीक है। तो ठेका का मतलब होता है कि कंपनी ने यहाँ पे टेंडर ले रखा था, तो यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनाने का, तो ई श्रम कार्ड की बहुत सारी कंपनी ने टेंडर लिया था, तो उस कंपनी ने बहुत सारे वर्कर रखे हुए थे, ठीक है। तो वहां पे वर्कर जो रखे हुए थे वो वर्कर से वो काम कराते थे, तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते थे, यहाँ पे आपको ई श्रम कार्ड बनाते थे, ठीक है। तो ऐसे करके वो जो वर्कर थे वही वर्कर अपना मोबाइल नंबर अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सीएससी के लिए। उसके बाद आरडीडी, यहाँ पे आरडीडी उन लोगों के लिए है जैसे कि दोस्तों आप यहां पे आसपास में देखते होंगे डीलर बोला जाता है, जैसे कि गांव में दाल चावल गेहूं ये सब बांटते जो है वो मतलब डीलर होते हैं, तो वो डीलर भी यहाँ पे सीएससी आईडी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आता है बेस्ट और यहाँ पे सबसे बेस्ट, ठीक है, ये आता है एनयूएलएम। यहाँ पे एनयूएलएम एसएचजी, अब ये क्या होता है
तो ये भी एक तरह का एनजीओ है, जैसे कि NULM, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही क्लिक करना होगा और यहाँ पे NULM के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे आपको आना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद आधार में जो भी आपका नाम है वो नाम आपको डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप CSC के लिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पे डालेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ये बहुत ही आसान है। उसके बाद यहाँ पे होता है बैंकिंग। तो बैंकिंग का आज मैंने सुबह ही वीडियो बनाया है और उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बैंकिंग के आईडी से आप यहाँ पे CSC कैसे ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे CSC लेने के लिए अगर आपके पास बैंकिंग की आईडी है तो यहाँ पे CSC ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फिनो बैंक से हमें CSC आईडी नहीं मिल सकती है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है फिनो, ठीक है। अब दोस्तों फिनो बैंक से CSC आईडी हम लेके भी दिखाएंगे, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिनो बैंक से आप CSC आईडी कैसे लेंगे। तो यहाँ पे मर्चेंट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे मर्चेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपको नाम डाल देना होगा, उसके बाद ईमेल आईडी डालना होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, शॉप का नाम डाल देना होगा, जो भी आपका दुकान है वो दुकान का नाम और यहाँ पे दुकान का एड्रेस डाल देना होगा, उसके बाद आपका सिटी नेम, जहाँ आपका दुकान है वो आपका सिटी नेम आपको डालना होगा, उसके बाद पिन कोड डाल के अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको जो नंबर दिया गया है इस पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन अपना एक्सेप्ट करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट में जो आता है वो CSC एम्प्लॉय। उससे पहले आप दोस्तों यहाँ पे बता दें, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आपको यहाँ पे CSC कैसे आईडी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे TEC रजिस्ट्रेशन का आपको TEC सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा अप्लाई पे और यहाँ पे TEC सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लॉग इन विथ अस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। लॉग इन विथ अस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ में जो आपका नाम है वो डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, उसके बाद आपको फादर का नाम डालना होगा, स्टेट जो भी आपका है वो डाल सकते हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ में आपको यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है वो डालना होगा, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डालेंगे, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको डाल देना होगा जो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, उसके बाद ये वाला कैप्चा है, उसके बाद सबमिट कर देने होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 1470 रुपये करता है, 1470 रुपये के बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और यहाँ पे TEC नंबर मिल जाता है। उसके बाद TEC नंबर मिलने के बाद ही आपका एग्जाम होता है, तो जब दोस्तों TEC नंबर मिल जाए तो वो TEC नंबर आप यहाँ पे डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, ये कैप्चा डाल के सबमिट करके आप यहाँ पे CSC रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे TEC के लिए आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है, तो उसके बाद यहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि अगर आप CSC आईडी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे TEC रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो आपको असिस्टमेंट एग्जाम देना पड़ता है और फाइनल एग्जाम देना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, मैंने बहुत सारी वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बाद वहां से भी आप CSC आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।